नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा, नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखनऊ के समाजशास्त्र विभाग से एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपना एक संक्षिप्त वक्तव्य लेकर। नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय की मात्र संस्था नारी सेवा समिति है। नारी सेवा समिति एक पुराना और प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन है जो कि अनेक संस्थाओं का संचालन करता है। नारी सेवा समिति द्वारा संचालित प्रमुख संस्थाओं में से नारी शिक्षा निकेतन स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी एक है। नारी सेवा समिति की सभी इकाइयों से संबंधित सभी लोगों को आज 20 अक्टूबर 2022 को हमारी संस्थापिका पद्मश्री श्रीमती मोना चंद्रावती गुप्ता जी के 126वें जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। मेरा आज का यह वक्तव्य मोना चंद्रावती गुप्ता जी के जीवन पर आधारित है, उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालता है। मोना चंद्रावती गुप्ता जी, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1896 को रंगून में हुआ था, रंगून जो कि अब यंगून के नाम से जाना जाता है, तत्कालीन बर्मा में स्थित था, बर्मा को म्यांमार के नाम से जाना जाता है। मोना चंद्रावती गुप्ता जी को प्यार से घर में सभी चंदो पुकारते थे। इनकी माता का नाम श्रीमती मनोहारी देवी था और इनके पिता का नाम था श्री कांता प्रसाद। कांता प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित थे। 1893 में उनकी नियुक्ति रंगून, बर्मा स्थित रंगून में हुई। मोना चंद्रावती गुप्ता जी का जन्म वहीं रंगून में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी रंगून, म्यांमार स्थित रंगून में ही हुई, एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में हुई। जिस दिन इनका जन्मदिवस होता था, यानी 20 अक्टूबर का दिन होता था, उस दिन रंगून में सभी वर्नाकुलर स्कूलों में और एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल में भी, जहां वे शिक्षा ग्रहण कर रही थीं, खेल दिवस के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाता था, जिसमें एट होम होता था, बैंड बाजे की व्यवस्था रहती थी और पारितोषिक वितरण समारोह भी होता था। प्रारंभिक शिक्षा रंगून में ग्रहण करने के बाद 1908 में इनके पिता ब्रिटिश सरकार की ओर से इंग्लैंड में नियुक्त किए गए। मोना चंद्रावती गुप्ता अपने माता पिता के साथ 1908 में 12 वर्ष की अवस्था में यूरोप गईं। उन्होंने यूरोप भ्रमण किया और इंग्लैंड के सेंट पॉल डे स्कूल में दाखिला लिया। इसके साथ साथ इन्होंने पियानो और वायलिन की भी शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ किया। मोना चंद्रावती गुप्ता जी पर उनकी माता श्रीमती मनोहारी देवी जी का गहरा प्रभाव था और वे अपनी माता से, वैसे तो वो पाश्चात्य शिष्टाचार सीख रही थीं और पाश्चात्य ढंग से शिक्षा ग्रहण कर रही थीं, लेकिन अपनी माता के प्रभाव से उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को जानना प्रारंभ किया और निरंतर उनकी रुचि इस संदर्भ में बढ़ती ही गई। वे पाश्चात्य वाद्य यंत्र छोड़कर भारतीय वाद्य यंत्र जैसे सितार और हारमोनियम सीखना चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन में रहकर यह असंभव था। इनके पिता की नियुक्ति तब तक बर्मा में पुनः हो गई, लेकिन इसके पूर्व 1911 में इनके पिता को दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया, जिसके फलस्वरूप मोना चंद्रावती जी की जिज्ञासा भारत के विषय में, अपनी संस्कृति को जानने के बारे में और अधिक बढ़ती चली गई।
मोना चंद्रावती गुप्ता जी के पिता श्री कांता प्रसाद जी चाहते थे कि उनकी पुत्री सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्रहण करके ही वापस आए, लेकिन चूंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हो चुका था, अतः उन्हें पहले ही भारत वापस आना पड़ा। 1911 में ही मोना चंद्रावती गुप्ता की भारत में वापसी हो गई और उनके उत्कंठा निरंतर भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानने के लिए बढ़ती चली गई। भारतीय संस्कृति से लगाव और यहाँ पर रहकर कुछ करने की जिज्ञासा भी उनके हृदय में उमड़ने लगी। मोना चंद्रावती गुप्ता जी के लिए कुछ पंक्तियाँ जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित कामायनी से ली गई हैं, मैं उनको समर्पित करना चाहूँगी। जीवन की अभिराम साधना भर उत्साह खड़ी थी, जीवन की अभिराम साधना भर उत्साह खड़ी थी, जो प्रतिकूल पवन में तरणी गहरे लौट पड़ी थी। वास्तव में वे पुनः लौटी थी भारत में कुछ कर गुजरने की चाह लेकर। मोना चंद्रावती गुप्ता जी का स्नातक में दाखिला कलकत्ता के डायोसेशन कॉलेज में करा दिया गया। वहां से इन्होंने विशेष योग्यता के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके पश्चात मोना चंद्रावती गुप्ता जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए करना चाहा, मास्टर डिग्री लेनी चाहिए, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर पर एमए की डिग्री यानी मास्टर डिग्री लेनी चाहिए, स्नातकोत्तर स्तर पर वे एकमात्र महिला थीं, अतः वे एमए पूरा नहीं कर पाई और बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया। इसी बीच उनके माता पिता मोना चंद्रावती गुप्ता जी पर उनके विवाह का प्रस्ताव रखने लगे और उन पर दबाव डालने लगे, लेकिन मोना चंद्रावती गुप्ता जी ने इससे इनकार किया और कुछ समय मांगा। मोना चंद्रावती गुप्ता जी अपने पिता के अत्यधिक करीब थीं। वे अपने पिता के साथ प्रतिदिन बग्घी की सवारी करती थीं, उनसे मल्टीप्लिकेशन सीखती थीं और अन्य प्रकार की चर्चा परिचर्चा किया करती थीं। 1920 में ही अचानक बग्घी दुर्घटना में उनके पिता श्रीकांता प्रसाद जी का निधन हो गया। उनके परिवार में अनेक पुरुष सदस्य थे, लेकिन वे अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थीं और उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार स्वयं किया। चूंकि उनके पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं किया और नारी आत्मसम्मान की भावनाएं भी मोना चंद्रावती गुप्ता के हृदय में गहराई से जड़े जमा चुकी थी। 21 अप्रैल 1921 में अपने माता के दबाव डालने के पश्चात, जिनके साथ उनके पिताजी चाहते थे कि मोना विवाह कर लें, मोना चंदो के नाम से प्रसिद्ध थीं, चंदो के नाम से घर में पुकारी जाती थीं, उन्होंने बैरिस्टर हरनाथ सहाय गुप्ता जी के साथ रंगून में विवाह कर लिया। अपनी माता के साथ रंगून से लेकर भारत और ब्रिटेन तक की संपत्ति का निपटारा उन्होंने हरनाथ सहाय गुप्ता जी के सहयोग से किया। समय बीतता गया। 1925 में मोना चंद्रावती गुप्ता जी की माता का भी निधन हो गया, जिससे वे और अधिक प्रेरित हुईं वंचित महिलाओं, विधवाओं, अशिक्षित महिलाओं, बच्चों सबके लिए कुछ कर गुजरने के लिए। उनका उत्साह सामाजिक कार्यों के प्रति उनका उत्साह निरंतर बढ़ता गया। मोना चंद्रावती गुप्ता ने ललिता कुमारी जी, जो कि मांडी की रानी थीं, उनके साथ और कुछ दो तीन और लोगों के साथ मिलकर कुछ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कुछ करना चाहा और उन्होंने अनौपचारिक रूप से सामाजिक कार्य करने प्रारंभ कर दिए। मोना चंद्रावती गुप्ता के पिता वनस्पति शास्त्र में अत्यधिक रुचि रखते थे। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवानिवृत्त होने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित रहे, वहां के कई प्रशासनिक पदों पर रहे।
मोना चंद्रावती गुप्ता जी ने उनके निधन के उपरांत एक छात्रवृत्ति प्रारंभ करी थी और 50,000 रुपए का अनुदान दिया था, लेकिन उस अनुदान राशि का सही सदुपयोग नहीं हो सका। अतः मोना चंद्रावती गुप्ता जी का मन क्षुब्ध हो गया और उन्होंने ये निर्णय किया कि हम किसी को माध्यम बनाकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते, अतः अगर कुछ कर गुजरना है तो हमें स्वयं करना होगा। और उन्होंने लखनऊ के अमीनाबाद में स्थित जनाना पार्क में 1927 से बच्चों और महिलाओं के लिए न केवल शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ किया, बल्कि उनके लिए अनेक आयोजन आयोजित करने प्रारंभ कर दिए। 1931 में एक शिशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उसके पहले ये ओपन एरिया स्कूल के रूप में बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का कार्य करने लगी थी। 1927 में उन्होंने महिलाओं को पर्दे से बाहर लाकर जनाना पार्क में अनेक प्रकार से जागरूक बनाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। 1931 में शिशु प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर की पत्नी लेडी हेली द्वारा किया गया। इसके पश्चात 1933 में जनाना पार्क लीग का पंजीकरण किया गया। जनाना पार्क लीग, जिसका पंजीकरण 1933 में हुआ औपचारिक रूप से, 1938 में विमेन सोशल सर्विस लीग के नाम से जानी जाने लगी, यानी विमेन सोशल सर्विस लीग के नाम से उसका रूपांतरण कर दिया गया और उसके एक निकाय को विमेन्स एकेडमी कहा गया, जो कि विशेष तौर पर महिलाओं की शिक्षा से संबंधित थी। इस संगठन के औपचारिक प्रतिपादन के बाद, औपचारिक गठन के बाद, श्रीमती मोना चंद्रावती गुप्ता जी ने कई महत्वपूर्ण पदों को भी सुशोभित किया। जैसे मैं बिंदुवार स्पष्ट करना चाहूंगी कि महिलाओं की विश्वविद्यालयी शिक्षा संबंधी शिक्षा के रिव्यू कमेटी की वे सदस्यता रहीं। ये सदस्यता उनकी 1934 से 35 तक रही। 1939 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और 1940 में लखनऊ विश्वविद्यालय के कोर्ट की सदस्य रहीं। 1934-35 में नारी प्रकरणों संबंधी मामले देखती थीं और उनकी न्यायाधीश रहीं। 1937 में यूनाइटेड प्रोविजंस के विधानसभा की सदस्य रहीं। यहाँ से मोना चंद्रावती गुप्ता चाहती तो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सामाजिक सेवा का क्षेत्र चुना और उन्होंने महिलाओं और बच्चों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। महिलाओं और बच्चों के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उनको उनके सशक्तिकरण के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1939 में उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। आगे चलकर उनकी सेवाएं अनवरत जारी रहीं और लोग जुड़ते चले गए और कारवां बढ़ता चला गया। 1965 में उनकी निष्ठा, लगन, मेहनत और कार्यों को देखकर भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से विभूषित किया, यानी उन्हें 1965 का सामाजिक सेवा के क्षेत्र का पद्मश्री अलंकरण प्राप्त हुआ। इसी दौरान 1959 में, इसके थोड़ा पूर्व जब उन्हें पद्मश्री मिला, उसके थोड़ा सा पूर्व 1959 में उनके पति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। लेकिन मोना चंद्रावती गुप्ता की सेवाएं निरंतर जारी रहीं। आगे चलकर वे अपनी, न केवल अपनी बच्चों की शिक्षा दीक्षा में पूरे मनोयोग से रत रहीं, बल्कि वे सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहीं। उन्हें जगत चाची के नाम से जाना जाने लगा, यानी कि वे चाची के रूप में विख्यात थी। उनके घर के नौकर चाकर, आसपास के लोग सब उन्हें चाची कहकर संबोधित करते थे, यानी चंदो से चाची बन गई। 1961 से 1972 के बीच मोना चंद्रावती गुप्ता जी ने जापान, अमेरिका और फिलीपींस की यात्राएं की।
वहाँ उन्होंने महिलाओं के कई संगठनों को करीब से देखा और भारतीय महिलाओं से तुलना की, विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं से तुलना की, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उसको फॉलो करें। उन्होंने ये देखा कि अमेरिका में परंपरागत संस्कृति, परंपरागत मूल्यों और आधुनिकता और आधुनिकीकरण का अद्भुत समन्वय था, और इस समन्वय के द्वारा कैसे धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इन मूल्यों को उन्होंने भारत में भी लागू करना चाहा। उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए नारी सेवा समिति के अंतर्गत नारी कला मंदिर की स्थापना की। नारी कला मंदिर के अंतर्गत फिलीपींस, जापान और अमेरिका से प्रशिक्षण प्रदान करने वाली शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया और यहाँ की महिलाओं को प्रशिक्षित करवाया, जैसे गुड़िया बनाना, कृत्रिम पुष्प बनाना और साजो सामान का, गृह सज्जा का अन्य सामान तैयार करवाना। धीरे धीरे महिलाएं इस संस्था के अंतर्गत न केवल शिक्षा ग्रहण करने लगी बल्कि वे आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर होने लगी। सार रूप में कहा जा सकता है कि मोना चंद्रावती गुप्ता जी राष्ट्रवाद, नारी चेतना, नारी सम्मान, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का पर्याय थी। अंत में मैं श्रद्धांजलि स्वरूप मैथिली शरण गुप्त जी की एक अत्यंत प्रसिद्ध रचना नरहो न निराश करो मन को की कुछ पंक्तियों को दोहराना चाहूंगी, उन पंक्तियों का उल्लेख करना चाहूंगी। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणो उत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। मरणो उत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। हम सबका दायित्व तो है कि हम उनके मान को बनाए रखें। उन्होंने जो दिया जलाया था और उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की थी, उस यात्रा को हम और आगे ले जाते रहें और उस दिए को हम निरंतर प्रज्वलित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।